Hello bacho, let's see this question. And the question says, the bond energy of HH and ClCl are given, and enthalpy of formation, yani change in enthalpy of formation, हमें दिया गया है HCl के लिए -90 के लिए. हमें bond energy निकालनी है HCl bond. तो बच्चों हमें पता है कि H2 और Cl2 से मिलकर H2 H2 and Cl2 से मिलकर HCl बनता है. ठीक है, अगर इसको बैलेंस करा जाए तो यहाँ पर 2HCl बनता है, पर क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जी HCl की निकालनी है तो हम इसकी स्टोइकोमेट्रिक प्रेफरेबली 1 करने की कोशिश करेंगे. तो कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें. अब क्या होगा बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन हम क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ half of bond energy of HH bond plus half of bond energy of ClCl bond minus bond energy of HCl. अब हमें बच्चों bond energy HCl की निकालनी है. ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों half into 430 plus half into 240. यहाँ पर बच्चों ये -90 था, opposite side आकर +90 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आएगा 215 plus 120 plus 90, जो कि approximately equal होगा 425 किलो जूल पर बोलते हैं. देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.